बरोदा हलके के श्यामड़ी गांव में आज अमावस्या के उपलक्ष में भाजपा नेता राजकुमार श्यामड़ी ने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राई विधायक मोहनलाल बड़ोली, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा, जिला महामंत्री योगेश पाल अरोड़ा, परमवीर सैनी मुडलाना ब्लॉक के सरपंचों सहित भारी संख्या में आमजन पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। मैं बत्रा जी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई भी हैं और सोनीपत मेरे पड़ोसी भी हैं, हम साथ ही रहते हैं और मेरा इनका शुरू से ही जो है आशीर्वाद और विशेष लगाव मुझसे, ये मुझसे पहले ही बहुत प्यार करते थे और आज भी इनका स्नेह मेरे ऊपर आशीर्वाद पूरा है और हमेशा पार्टी की तरफ से भी जो बात आई है ये मेरे लिए खड़े है, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं। देखिए आप यहाँ पर जब हम आए हैं श्यामड़ी गांव में, और मेरे तो पहली बार यहाँ पर आना हुआ, जिस प्रकार से जिस उत्साह से और जिस गर्म जोशी से लोगों ने स्वागत किया, यहाँ पे सरपंच भी हैं, जिला पार्षद भी है, ब्लॉक समिति के लोग भी हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आने वाला जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बने, इस प्रकार का मन बना करके जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि 2024 में परिणाम आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ राजकुमार श्यामड़ी के समर्थन में सरपंच कह रहे हैं कि तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर बीच अंकुरित हो रहा है? देखिए राजकुमार श्यामड़ी जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और निश्चित रूप से एक ग्राउंड लेवल पर धरातल पर जो है वो लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं समझता हूँ कि वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कमल का फूल खिलाएगा और आपके सामने परिणाम होगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक मोहनलाल बड़ोली, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा ने भंडारे के आयोजनकर्ता वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार श्यामड़ी को पार्टी का ईमानदार सिपाही बताया और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात की। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसका खुद पता नहीं वे दूसरों को सपने दिखा रहे हैं। ललित जी, आज राजकुमार श्यामड़ी द्वारा देखिए अमावस के इस परंपरा पर मैं सबसे पहले तो प्रिंस शर्मा, राजकुमार शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम ये हर साल कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सरपंचों से बात की और बाकी लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि अगर व्यक्तिगत रूप से राजकुमार श्यामड़ी को बड़ौदा का विधायक देखना चाहते हैं, उनको टिकट मिले, तो आज एक बीजेपी के नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जिस प्रकार की बड़ौदा में जहां कांग्रेस पंक्ति आई है वहां पे इस तरह से बीजेपी के लिए कोई नेता के बारे में ऐसे विचार निकल गया? नहीं देखिए ये बात बहुत अच्छी बात है, सबकी राय है, सबकी इस भावना है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है जो शुरू से पार्टी के साथ लगा है, मैं तो ये जानता हूँ 1990 से मैं इनको देख रहा हूँ कि पार्टी में कई लोग आए कई लोग चले गए पर प्रिंस वही की वही खड़ा है। यानी कि जो अभी आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने एक रैली की और उसमें उन्होंने कहा कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो आप उसमें एक पंडित भी होगा, तो आप क्या देखते हैं इस तरह? देखिए मेरा तो बड़ी हंसी भी आती है कई बार कि जब करने का टाइम था जब तो किया नहीं, आज जबकि दूर दूर तक संभावना नहीं है, कांग्रेस के अंदर अपने इतने गुट है, कौन इसको मुख्यमंत्री बनने देगा? और ये उप मुख्यमंत्री तब बनाएगा ना जब खुद मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमें तो यही उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस के लोग इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरपंचों की पावर बढ़ाने, आशा वर्कर की नाराजगी, कर्मचारियों की नाराजगी के सवाल पर कहा कि सरकार सब विषयों पर गंभीरता से काम कर रही है, सबका जल्द समाधान होगा। राजकुमार श्यामड़ी के बड़ौदा से दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। सरपंच जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी पावर को लेकर, कर्मचारी आंदोलन पे हैं, आशा वर्कर आंदोलन पे हैं, सभी मतलब ज्यादातर वर्ग ऐसे देखते हैं कि रोड पे दिखाई देते हैं, तो ऐसे में भाजपा कैसे तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 9 वर्ष से है और बहुत सारे विभागों की बहुत सारी ऐसी डिमांड कर्मचारी को पूरी की है जो कर्मचारियों को उम्मीद भी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी उनको समायोजन करने का काम किया है जो दूसरी सरकारों ने लगाए थे, और हमारी सरकार का प्रयास है सबको न्याय मिले, और आशा वर्करों का जो धरना है ये बातचीत हो चुकी है, उसको जल्दी ही उसका समाधान भी होगा,
और जो कैशलेस पॉलिसी कर्मचारियों के हित में जो है वो मुझे लगता है कि उसकी भी जल्दी घोषणा होगी। और बहुत सारे काम ऐसे हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट के अलग अलग, उन सब पर विचार चल रहा है और उसमें से जो काम होने के हैं वो जल्दी पूरे होंगे। जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव के दौरान किए गए वायदे लगभग पूरे कर दिए, जो बाकी हैं चुनाव तक उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। तीरथ राणा जी, आज राजकुमार शामली जी ने पूरी भाजपा को यहाँ इकट्ठा कर दिया शामली गांव में, आप भी पहुंचे हैं क्या कहते हैं? बिल्कुल, जिला के हमारे शीर्ष नेतृत्व नेता हमारे यहाँ राजकुमार शामली के फार्म हाउस उन्होंने भंडारा लगाया था, सबको निमंत्रण दिया और सब ने स्वीकार किया। मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि भाई जी एक बुलावे पे सभी नेता से हमारे विधायक राजीव जैन जी, अमरीक बोकरा जी, आला कमान सारी यहाँ पे पहुँची हमारे जिले, और भाई ने सबका भोजन कराया भंडारे के माध्यम से, भाई का भी धन्यवाद करते हैं। पिछले उपचुनाव के दौरान में मुख्यमंत्री द्वारा या भाजपा द्वारा काफी घोषणाएं विरोध हल्के के लिए की गई थी, जहाँ पे राजकुमार शामली प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कितने प्रतिशत उन मांगों को आप पूरा कर पाए और 2024 में क्या यहाँ से कमल खिलेगा? हमने उपचुनाव से पहले ही 70% घोषणा को पूरा कर दिया। आप चाहे दीप टुकलों की बात करो, चाहे विरोध हल्के के रोडों की बात करो, और चाहे आप जो गहरे ट्यूबल लगने थे जहाँ चोए थे खेती बाड़ी में, वहाँ कई बड़े बड़े गांव में जहाँ पर थी कोई ऐसी बड़ी स्कीमें थी लगभग पूरी होगी, तो ऐसे ऐसे जो हमारी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी उपचुनाव से पहले, उपचुनाव में के बाद, तो लगभग विरोध हल्के की पूरी होने पर है, जब तक चुनाव आगे तक पूरी होगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सरपंचों ने कहा कि वे पार्टी से ऊपर उठकर राजकुमार श्यामड़ी का साथ देंगे, वे किसी भी पार्टी का टिकट ले आए हम उनका साथ देंगे। वहीं चिड़ाना के सरपंच संदीप सिंह ने बताया कि अभी गांव के फंड से विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास भी जो प्रोजेक्ट भेजे थे वे पास हुए हैं, जल्द काम शुरू करेंगे। इस दौरान अन्य लोगों ने भी राजकुमार शर्मा को सुख दुख का साथी और अच्छा नेता बताया। वहीं राजकुमार श्यामड़ी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और आगे भी पहले की तरह जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। अब देखना यह होगा कि पार्टी से ऊपर उठकर समर्थन करने वाले सरपंचों की बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच पाती है या नहीं। जिस प्रकार से सर ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी ने एक सवाल खड़े किए, सरपंच है वो नाराज है, वो कह रहे हैं कि हमारी ग्रांट नहीं बढ़ाई जा रही, हमारी पावर नहीं बढ़ाई जा रही, तो नाराजगी को देखते हुए क्या लगता है कि 2024 में कोई दिक्कत आएगी? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सरकार जब भी कोई सुधार के काम करती है तो उससे कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी के हित जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होते हैं। हर सरपंच जो है ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबका राइट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो व्यवस्था लागू वो व्यवस्था इसलिए लागू की है कि कहीं ना कहीं जो है उसमें सारा सिस्टम पारदर्शी ढंग से चले। विरोधा हल्का में लगातार भाजपा कमल खिलाने का प्रयास कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। अब की बार राजकुमार श्यामड़ी जो है वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ से कमल खिलाने का, तो आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से जो है काम कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन वो काम करते रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नीति की पार्टी है और जो है एक सोच के साथ काम करते हैं, इसलिए उनको इस बात का मतलब नहीं है कि सरकार बने ना बने। जहाँ तक बड़ौदा का सवाल है, बड़ौदा में कभी जो है भारतीय जनता पार्टी की 2000 वोट आया करती, आज जो है वो 50-55 हज़ार वोट तक पहुंची है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास है, सरकार की नीतियों का फल है। और आज जो है वो कहते हैं कि तूफानों से डरकर कश्ती कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनाने का जो लोगों का मिथक था वो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और कभी ना कभी जो है बड़ौदा की सीट जीतकर भी ये भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ने का काम करेगी। जगत महान न्यूज के लिए श्यामड़ी से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।